लीजा, ये तो करोड़ों की मूर्ति है। हजारों साल पुरानी ये बेशकीमत मूर्ति मेरे मंदिर की थी। मैंने इसे मोहम्मद गजनबी से चुराया था जब वो हिंदुस्तान को लूट कर जा रहा था। देखा, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। प्रकाश जी मालिक, मैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इस मूर्ति पर अपना हक जताने के लिए जा रहा हूं। तुम इसका ख्याल, आप फिक्र मत कीजिए मालिक, इसकी मैं अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा। शाबाश। पुरानी मंदिर के खंडर में जो मुझे बेशकीमती मूर्ति मिली है उसी की हिफाजत के लिए आपको तकलीफ दे रहा हूं इंस्पेक्टर साहब। ये गोली क्या मस कैसी? ड्राइवर जल्दी चलो। मेरे भाई का खून। अरे अच्छा दोस्त, तू आ गया मेरे लिए जिंदगी का फरिश्ता आ गया, वरना ये तो मुझे जान से मार डालने वाला था। नहीं मालिक, ये झूठ बोल रहा है, इसने अपने भाई का खून किया और ये मूर्ति लेके भागना चाहता था। क्या? अरे ये मूर्ति लेके भाग रहा था, तेरे भाई ने उसका पीछा किया, इसमें हावी आ गया और इसने गोली मार के वहीं खत्म कर दिया। नमक हराम, तूने हमारे भाई को जान से मार डाला। मालिक मैं खामोश, हमने तुझे अंदर पैरा देने के लिए कहा था, फिर तू बाहर कैसे आ गया? तो तेरे हाथ में ये मूर्ति, ये बंदूक, कमीने, गद्दार, इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे। अच्छी बात है मालिक, आज आपने इस वफादार नमक हलाल को गद्दार कहा और इस सांप को अपना दोस्त। जिस दिन ये सांप आपको टसेगा उस दिन ये वफादार आपको याद। अरे चल रे, बड़ा आया सांप वाला, खुद बंदूक लेके खड़ा तो मेरे को सांप बोलता है। फोन, लगता है प्रकाश मर चुका है, जाकर उसकी बीवी को खबर कर दो। मालती, मालती, यू आर अंडर अरेस्ट। मेरी बीवी कहाँ है? तुम्हारी मौत की खबर सुनकर तुम्हारी बीवी घर छोड़कर चली गई। बेचारी। अरे ये तो माँ बनने वाली है, इसको दाई के पास ले चलो जल्दी, चलो। मुबारक हो बहन, आज जन्माष्टमी है, तुम्हें किशन जैसा बेटा पैदा हुआ। भगवान, तुमने जवानी में मेरा सुहाग छीन लिया, इस औरत के जुड़वा बच्चों में से एक बच्ची को अपने जीने का सहारा और बुढ़ापे की लाठी बनाकर रख लिया है, मुझे माफ कर दो भगवान। जब साहब मैं बेगुनाह हूं, बेकसूर हूं, मैंने कोई खून नहीं किया, कुछ नहीं किया, मेरी बीवी और बच्चे मुझसे जुदा हो रहे हैं, और जिन लोगों के लिए मैंने नमक हलाली की, वफादारी की, उन लोगों ने नमक हरामी, गद्दारी और खून के इल्जाम में मुझे इस कटहरे में खड़ा कर दिया है। ताजी राती गिनती दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा तजवीज करती है। बेटी तुम? मामा जी आओ, तुम अकेले आ गए? हाँ मामा जी, वो हम ना बेटी को इस संसार की भीड़ में हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चले। नहीं बेटी, रोते नहीं, सबसे काम लो, आओ। ये अनाथ आश्रम है, यहाँ बेसहारों को सहारा मिलता है, और तुम सही जगह पर आ गई। बेटी मैं भी तो बूढ़ा हो चला हूँ, मुझे भी किसी सहारे की जरूरत है, अच्छा हुआ तुम आ गई, और आज से ये अनाथ आश्रम तुम ही चलाओगे। बच्चों
आज से ये तुम्हारी नई मां। ये लो बेटा किशन, ये लो बेटा कन्हैया। अच्छा माँ, मैं काम पर चलूं? तो क्या काम करता है रे? मुझे बटवे कंपनी में नौकरी मिली है। अच्छा अच्छा। बिजली वो देख। अमर सोनार बांगला अमी सोनो अमर याची रे बाबरे इकिरी चल कनी सारा स्वरा बचा चोर चोर चोर। ये चार आना तेरे, ये दो रुपया मेरे। ये चार आना तेरे, ये एक रुपया मेरे। ये चार आना तेरे, ये दो रुपया मेरे। एक कन्हैया, मैं तेरी पड़ोसन हूँ, चोरी के साथी हूँ। चल फिर बिजली, अपन के पास रेलवे टाइम नहीं है, अपन मुंडी से मिलने जाता है। अच्छा फिर कल मिलते हैं। तुम्हारे पते क्या बोलते हैं कन्हैया? चिड़ी का गुलाम मतलब हर काम चिड़ी, और अगर हुक्म का बादशाह तो हर काम बन जाएगा। एक पता बताओ। चिड़ी का गुलाम, इसका क्या मतलब? इसका मतलब हम नहीं मिल सकेंगे। हम नहीं मिल सकेंगे? अबे साले चोर। कन्हैया तुम चोर हो। हाँ मुन्नी। तुम मुझसे अब कभी मत मिलना, मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। मुझे मत छोड़ कर जाना मुन्नी। Bye.
हाय डैड। तेरे 50 मरता ऊंची आवाज में डैडी मत बोला कर। ए तेरे से काम नीचे। अभी आता हूँ। ए कुत। मगर डैड ये। अरे मैं तेरा बाबू। कुत मुझे लग जाएगी डैड। अरे तू हाँ तो कुत। ठीक है आई एम जस्ट कमिंग। कुत। नो 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 डैडी। अभी आता हूँ। बेवकूफी में गधे को शर्माने वाले और उम्र में मुझसे ज्यादा बड़े नजर आने वाले में बेटे, कामयाबी की दुनिया का पहला उसूल है कि इस दुनिया में अपने बाप पे भी भरोसा मत करो। समझ गया? समझ गया ना? समझ गया। अब उसूल नंबर दो। उसूल नंबर दो ये है कि पहले किसी के दिल में विश्वास पैदा करो, बाद में उस विश्वास का खून करके उसका माल निकाल लो। डैडी मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तू पैर तो दिमाग से उठता है। अब देख मतलब। नहीं खुद उठता हूँ। मैं खुद उठता हूँ। उठ रहा हूँ। अब देख सुंदर लाल की सुंदरता का कमाल। गुले गुलजार जाने बाहर बाहर आओ। आओ इनसे। डैडी हु इज दिस ब्यूटी? ये कौन है? ये तुम्हारी माँ है। मेरी माँ? चौथी माँ। व्हाट? हेलो हेलो। तुझे अपने बाप पे नाज होना चाहिए, उसने तेरी दौलत के साथ साथ माँ के बिठे लगा के रख दिए। डैडी शादी की उम्र मेरी है और आप शादी पे शादी की चले जा रहे। मेरी खत्म नहीं तो तेरी शुरू कहाँ से हो सकती है? डैडी। बेटा वैसे दुनिया में शादी बड़ा बिजनेस है। क्या मतलब? मैंने उसको 2 लाख का हार तोहफे में दिया और उसके बाप की 20 लाख की प्रॉपर्टी हजम कर दी। डैडी वो मुझे मिल जाएगी, कोई चांस नहीं है। तो अपनी जवान माँ के छोटे से बेटे, उस 20 लाख में से मैंने 50,000 वकील को खिलाकर गांधी अनाथ आश्रम की जमीन का केस जीत लिया। केस जीत लिया? आई एम प्राउड ऑफ यू डैड। बाकी कितने बचे? बाकी के 9.5। उल्लू का पट्टा देखा? तुम्हारे लाट बहन उसको कितना बिगाड़ दिया है, उसको ये भी नहीं मालूम कि 19.5 बचे। साढ़े उन्नीस। तो 19.5 से हम एक 5-स्टार होटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 5-स्टार होटल बनाएंगे। हाँ तो तू जा और उन अनाथ आश्रम वालों को बाहर निकाल। ठीक है मैं अभी जाता हूँ। मगर डैडी वहां जाकर मैं बोलूंगा क्या? उल्लू का पट्टा उनसे जाके बोल हमने केस जीत लिया है इसलिए आज मरी। हरगिज नहीं, आपके पिता ने हमारे साथ धोखा किया है। ये जमीन हमारी है। ये जमीन तुम्हारी थी, कल तक थी, लेकिन आज ये जमीन हमारी है। मैं चल रहा हूं। शैतान भगवान से तो डर। भगवान क्या करेगा? रुक जाओ। कौन है तुम? मैं कोर्ट की तरफ से आ रहा हूँ। तुम लोगों को इस तरफ कानून हाथ में लेने की कोई इजाजत नहीं है। इन्हें 7 दिनों की नोटिस मिली है, इससे पहले इन्हें नहीं निकाल सकते। चले जाओ यहाँ से, वरना मुझे मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अच्छी बात है। ऑन बॉयज आउट। ठीक है बुढ़िया, आज तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन 7 दिन के बाद मैं यहाँ फिर आऊंगा और फिर तुम्हें यहाँ 7 सेकंड भी टिकने नहीं दूंगा। कान बैक। मगरूर इंसान दौलत के नशे में कितना शैतान बन जाता है। इंसान तो इंसान, तुझे भी लौट कर चला जाता है तो हम गरीबों के दिल की कौन सुनेगा? भगवान कौन सुनेगा? नहीं माँ, भगवान के इंसाफ में देर है, देर नहीं। कैदी नंबर 420, क्या नाम है तुम्हारा? अरे खब बम्बई जानता है क्या अपन का नाम? कन्हैया है क्या? बनकर बकवास और शराफत की जिंदगी गुजारो। क्या बात करते हैं इंस्पेक्टर साहब, दरिया में ना हो कपड़ा ढीला ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अरे बाहर की दुनिया बेईमानी का दरिया है, लाख दामन बचाने की कोशिश करो लेकिन फांदेबाजी के पानी से सारा दामन गीला हो जाता है। गड़बड़ लोगो माजी सुन। हाँ अपन तो सुनने के लिए पैदा हुआ है ना, बाहर जाओ तो सारे लीडरों की भाषण सुननी पड़ती है, कोर्ट में जाओ तो वकील की वकालत और उसके बाद जज,
जो कानून का व्यवस्था चलाता ना वो भी सुननी पड़ती है, और जब यहाँ आओ तो साले आपके इस मोटे चमचे की सुननी पड़ती है। मैं चाहता हूँ बाहर जाके चोरी और पाकेट मारी बंद कर दो। ठीक है, इस पेट की भूख को बंद करने के लिए अगर आपके पास कोई ताला है ना तो पहले वो दे दो। क्या मतलब? अरे मतलब गंजे के टकले का था, बिल्कुल साफ है साहब। भूख को क्या चाहिए? रोटी। रोटी को क्या? पैसा। और पैसे को रास्ता। इसलिए मेरा रास्ता मुझे वापस दे दीजिए। कौन सा रास्ता? अरे मैं दो ताश के पत्ते और क्या। फेंक के क्यों देते हैं साहब? ये हुक्म का बादशाह है ना, अपनी तकदीर का बादशाह है, और ये चिड़ी का गुलाम। अगर आ गया ना साहब तो समझ लो हर काम चिड़ी हो जाएगा। चल दो। अच्छा पांडव बाजार मिलेंगे फिर से। माफ करना बेटा। बेटा, लाइफ में पहली बार किसी बाप ने अपन को बेटा बोला, और कोई बाप अपने बेटे से माफी नहीं मांगता। बाप पता उठाओ, हुकुम का बादशाह। दुनिया के हिसाब से तुम एक मुजरिम हो, लेकिन मेरे पत्तों के हिसाब से तुम बेगुनाह हो, निर्दोष हो। और एक बात बता देता हूं, लाइफ का हिसाब एक टाइम गलत हो सकता है, लेकिन मेरे पत्तों का हिसाब कभी गलत नहीं होगा। तू पहला इंसान है बेटा जिसने मुझे बेगुनाह और निर्दोष कहकर मुझमें दोबारा जीने की तमन्ना पैदा की है। एक दिन मैं अपने आप को निर्दोष साबित करके रहूंगा। जुल्म करना पाप है बाबा, लेकिन बेगुनाह होते हुए जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। राजा बेटी। Welcome home. Oh, Daddy, you're looking fabulous. Thanks. Who is the lady? Oh, I'm sorry, बेटी, मैं तो बताना भूल गया, ये मेरे जिगरी दोस्त सुंदरलाल का इकलौता बेटा मॉन्टी। Hello. Hello. Roses for a rose. Oh, thank you. Come on, let's go. चलो। Come on. रहम की भीख मांगने आया हूँ। भीख? झूठा नहीं है, यू कर का भिखारी। तुमने कभी इतनी हसीन तो तिथियां देखी है? पसीना छूट रहा है, सब कुछ छूट गया। बहुत गर्मी लग रही है तो पानी में छलांग लगा। मुझे तैरना नहीं आता भाई। उस साठ पैर रखे था, मछलियां पकड़ना जानता है, तैरना नहीं जानता। जल्दी जल्दी कोई डॉक्टर को बुलाओ। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है? ये सब आपके अजीज मेहमानों के बेहुदा मजाक का नतीजा है। अपनी कहकहों के लिए किसी की जिंदगी से खेलते हैं। देखो बेचारे की क्या हालत कर दी है। मैम साहब, आज आपने हमारी जान बचाई, बहुत बहुत शुक्रिया। रात में से तुम देखते हैं, चल मुझे सोइया, सोइया, सोइया।
अरबतों से आज मैं टकरा गया। अबे ओ साली घाटन, बिजली की बच्ची, तेरी बचपन से टांग अड़ाने की आदत अभी तक नहीं छूटी। क्यों? अबे साली तेरी टांग है या टांगा? हर दूसरे की टांग को अपने बाप का गराज समझकर घुसेर देती है। अबे जा रे, ज्यादा शान पति ने को कर, तेरे बचपन की आदत छूटी क्या? किसी का भी खीसा देखता है अपने बाप की खोली समझ के हाथ गुजर देता है। अबे हाँ पोर्गे, अपने मुंह को वेल्डिंग कर, क्या समझे? भाई तूने माँ के सामने सब उगल तो नहीं दिया ना? हाय 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 हाय, कितनों रे माँ को प्रेम करता है। अबे और साले, कब तक माँ को शेंडी लगेगा? हाँ साला जेल में होता है तो बोलता है मैं इंग्लैंड गया था। कभी मडालैंड देखा है क्या? इंग्लैंड गया था। अबे साइलेंसर के बिना इंजन, ये उन टाकू तुझे दोनों मोड़ी। हाँ ये उंगलियां देख रही है, ये क्या है? अपने काम का वास्ता। वो देखो, किस्मतपुर से मुकद्दर की गाड़ी में बैठकर अपने नसीब का मनी ऑर्डर। डार्लिंग फूल मटे, जरा नीचे आओ। काहे को? अरे काहे को क्या, पीछे का टायर गड़बड़, आगे का टायर गड़बड़, हम मैकेनिक को फोन करके अभी आता है। अबे डांडिया जी, मोटी गोटी बगितला का है? बगितला बगितला चला, फॉर्मूला नंबर 44। तुम जल्दी आना, हाँ नहीं तो छोकरा लोग हमको लाइन मारेगा तो हमारा काम कमती होगा। स्वीटहार्ट स्वागतम, आप हमारे दुकान के सबसे पहले ग्राहक हैं, जो अपने मुबारक नाजुक कदम रखकर इस दुकान की तकदीर की बैंड बजाने आई है। अबे साला अंधा है क्या? अरे अंडा तो मेरा बाप था कि ये मोटी के साथ मेरा शादी कर दिया। मैन हमारा सर बहुत दुखता है, हमको 2 सेराडोन मांगता है। जी 2 सेराडोन क्या? हाँ। मैं आपको 2 किलो सेराडोन दे दूंगा, वहाँ जाकर ले लीजिए। ओह थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जाता है कमाले, खुद धक्का मार के नीचे गिरती है और नीचे ऊपर से धक्का मारती है। अबे ओए साला खड़ा कर। अरे अरे तुम क्या बोलते हो, तुमको मालूम है? साला जल्दी कर रहा। अरे जल्दी जल्दी कैसे करेगा, तुम्हारा मदद का जरूरत पड़ेगा। आओ आओ डार्लिंग, आओ आओ मेरा डार्लिंग। बोलो बाबा, ये कौन सी कंपनी का है? ये बाबा मकई का है ना? आज तक तो मकई की लेते थे, इस टाइम मकई की ले लेते हैं। चल दिलवा दे और साथ में बिल बना दे। चलो बाबा, सुबह सुबह अपना भूनी हो गया। है तुम जानते नहीं, मैं और अपनी जो बीवी जिस दुकान में जाते हैं ना, उसका कपड़ा वही जाता है। मेरा बापे तारा जी, वो सोच जी बैरी आप ही होते ना, के भी मजा होते मरी को। स्वागतम। सुनो बाबा, मैंने कहा हार हार जोइए छे। क्या चाहिए? हार हार। ये लो पत्थरो, नहीं पत्थर तो घर में छे, सोना नो सोना। एक मिनट जरा बात सुनो, वो आप ही का पति है ना? नहीं तो क्या तुम्हारा पति है? मालूम होगा, मालूम होगा। ठीक है बाबा, सब बराबर है बाबा। अबे ओ गुलाब जामुन, इनकी बीवी के लिए एक सोने का हार ला देना। बाबा तुम रोज आना, अपना फायदा ही फायदा। चलना हार ला, अभी लाता है सोने का हार। ये देखो सोने का है, तुम्हारा बीवी जितना खूबसूरत है। खूबसूरत? हाँ खूबसूरत, उतना ही हार असना जो खूबसूरत है। हाँ बाबा, कितने टोले का है? ये 10 तोले का है। अच्छा है, 10 तोले में पड़ जाएगा, नहीं तो 10 किलो का हार लेने को मांगता है उसको तो। अच्छा। अभी जाके आता है। जाता है। क्या माल है? बांधुन टक। बाबा ये तो उसका बीवी है, तुम क्या करता है? अपन उसका बॉडीगार्ड है। अच्छा बॉडीगार्ड। अच्छा, जो काम वो आधा छोड़ देता है ना, उसको मैं पूरा करता हूँ। हेलो स्वीटी, जरा आने से एक सरप्राइज आता है। अरे साईं, हां बोलो। तुमने हमारा खूबसूरत बीवी के लिए खूबसूरत सोने का हार निकाला था, वो किधर है बताओ? अरे बाबा वो सोने का खूबसूरत हार तुम्हारा खूबसूरत बीवी लेके कार में बैठा है। कार में? कौन सा बीवी? टेल मी, कौन? अरे कोई भी लड़की, अरे कोई भी लड़की, मेरी मिस्टेक है कि मैंने माफ कर दिया मेरी मां। झूठ बोलता है, ये देखो इसका बिल बताओ कितना हुआ। अरे बाबा बिल 7,000 रुपया, 50 नया पैसा। 7,000? क्या तुमने सेराडोन का पूरा फैक्ट्री हमको खरीद के दे दिया? अरे बाबा तुम्हारा हस्बैंड 7,000 का टेप लेके गाड़ी में बैठा है। हस्बैंड तू समझे सो, हूं तारा माटे रात दिवस मेहनत करू छु, हूं तने ओछो पाडू छु के ते प्राइवेट मा બીજો હસબન્ડ રાખ્યો છે, હું તને મારી રાખ કાલી ભેંસ સાલે, તું સમજે? તો હાર ઘરમાં ભી એ મારે, બહાર ભી મને મારે, મને તો મારવા આપતી જ નથી। આ બધી આલી મિસ્ટેક છે, હું તો આલી મૂછ ખેંચી કાઢ, સમજે તું? રમણ્યા 100 રૂપિયા તેરે લિયે, 1,000 રૂપિયા મેરે લિયે, 100 રૂપિયા સિર્ફ तेरे लिए।
ये 1000 रुपए मेरे लिए, ये 100 रुपए तेरे लिए, ये 1000 रुपए मेरे लिए। शेंडी लगाता है। देख बिजली, माल लेने का है तो ले, वरना अबे ओ साले, माल निकाल। देखता क्या है, माल निकालना। अबे ओ, ये पूरा फार्म तेरा इस बाप का था, और आधा माल तुझे दूं, हैं? ठीक है, तेरा काम माँ से बोलती हूँ। इस बंदरिया की शादी तो किसी लंगूर से करवाई। अबे जाना जा अपनी मुन्नी के पास जा। देख बिजली, तू मेरी पड़ोसन है, हाँ? अगर मुन्नी का नाम इतनी बेहुदी से लेगी अच्छा नहीं होगा। अच्छा मैं चलता हूँ ड्यूटी पर। देख किशन, मोंटी राधा का गुलाम है और वो उसके ख्यालों की बेगम, और तू राधा के दिल का राजा। अगर राजा बेगम को पटा ले तो वो गुलाम बेगम के हुक्म पर हमारा आश्रम हमें दान कर सकता है यार। अरे तेरा दिमाग खराब, मैं लड़की को पटाऊं? अरे आज तक मैंने किसी लड़की से खुलकर बात नहीं की और मैं लड़की को पटाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा खोचू नंदन, मैं बताती हूँ कैसे होगा। थोड़ी देर के लिए सोचो, ये किशन है, ये राधा है। जब से तुम्हें देखा मेरा दिल उष्ण का दीवाना हो गया। हाय, तुम मेरे परवाना हो और मैं तुम्हारी शमा, तुम सोने की चिड़िया, तुम्हें जाल में फंसाना है। ये हमसे नहीं होगा। चाहे जितना धूम मचा लो, कर लो जय जयकार, तबो हमरे बाप से भी होगा नहीं प्यार। तब ए यार मेरी, तब प्यार का ड्रामा मेरे बाबू से न होगा। छोड़ी जरा रुक जा रुक जा, कहाँ जाती है गोरी, दो बात हमसे कर जा। क्या नाम क्या पता है ये बंदा पूछता है, मकसद बुरा नहीं है कोई दूसरा नहीं है। संगम कभी होगा नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। यारा यारा आशिक ले, यारा यारा आशिक ले। तबा तबा तबा, अरे यार मेरी तबा, प्यार का ड्रामा मेरे बाप से न होगा। Oh,
मौसम उठती जवानी, चढ़ती ये नदियाँ मौज तूफानी। तू मेरी जिंदगी है, मैं हूँ तेरी कहानी। तू दे अगर इजाजत तुझे ढड़ के चूम लूँ मैं। संगम कभी होगा नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। यारा यारा सीख ले, यारा यारा सीख ले, दिल हसीनों से प्यार लगाना तू सीख ले। सोने की चिड़िया जाल में फंसाना तू सीख ले। तो यार मेरी तब प्यार का ड्रामा मेरे बाप से ना होगा, होगा संगम होगा तेरे। मुझे मुझे राधा से मिलना। राधा बेटे को अभी भेज देता हूँ, आप बैठिए। राधा जी, आपने मुझे पहचाना? आपने एक बार मुझे गरीब की जान बचाई थी। मैं वही हूँ किशन। राधा जी, आज मैं आपके पास अनाथों की फरियाद लेकर आया हूँ। मोंटी जी हमारे सर से छत हटाकर हमें सूरज की गर्मी में जलाना चाहते हैं। आपके चेहरे की तरह आपका दिल भी बहुत सुंदर है। आप हमारी मदद करेंगे ना? मुझे गरीबों से प्यार है। ये गरीबी आपसे प्यार कर बैठा है। I love you, किशन। लव? मुझे तुमसे बहुत प्यार है। सच राधा जी? मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत, अमरी जान से ज्यादा। कौन है? डैडी, मैंने इसे एक बार डूबते हुए बचाया था और मेरे उस हमदर्दी को ये प्यार समझ बैठा। तुमने अपनी औकात देखी है यू फूल? हिम्मत मेरे घर में मेरी बेटी की तस्वीर के साथ बेहूदी हरकत करे? तुझ भिखमंगे को मेरे घर में आने किसने दिया? ऐसे लोगों को तो जूते की नख पे रखना चाहिए। गली के कुत्ते महिला का ख्वाब देखते। आज अगर तुमने अनाथ आश्रम खाली नहीं कर दिया तो मेरे आदमी पेट्रोल छिड़का के आग लगा देंगे। चलो। यहाँ मुंह छिपाए खड़ा है।
हम लोग तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। कौन है आप लोग? हम लोग आपके थाने वाले। थानेदार? अच्छा, चल कहाँ? माल बांटने। माल बांटने? मेलियानो, तुम दो दर्जन आदमी मिलके हमारे आदमी को मारता है, तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूं। अबे और साला बेड़ा भी क्या है, क्या छक्के के जैसे मार खाता है? चलो चल बे साले, घर में जाके तुझे गर्म पानी में नहलाती हूँ। शुक्र है जान बच गई। किसको ढूंढ रहे हो? छप्पर गंजू हवा खा रहा हूँ, समझे? हवा हवा, ये रहे 5 रुपए, फुटा से। अरे बेटा कहाँ जा रहे हैं? बेटा? अरे माँ अपने बेटे को बेटा नहीं कहेगी तो कौन कहेगा? चल चल अंदर चल। तो इतने दिनों से कहाँ चला गया था बेटे? तेरे चले जाने से ये अनाथ आश्रम वीरान सा हो गया था, ना कोई हंसता था और ना किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, और हालात तो इतने बुरे हो गए कि 2 रातों से सब भूखे सो रहे हैं। लेकिन तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हटो। हाँ? देखो देखो माँ, आज मैं खाली हाथ नहीं 5 रुपए कमा के लाई हूँ, ये लो। और मैं बोझा उठाकर 8 आने कमाया हूँ। क्यों भैया, कुछ कमा है कि नहीं? माँ मैं आज सिर्फ 10 रुपए कमा कर लाया हूँ। देखो माँ भैया कितने पैसे कमा के लाया। अरे बेटा मैं जानती थी बेटा, मेरा दिल कहता था तो जरूर हमारे दुखों का इलाज करेगा। आज तूने अपनी माँ के दूध का हिसाब चुका दिया, अब इन पैसों से हम अपने सारे कर्जदारों का हिसाब चुका देंगे। कमाल है, ये अनाथों का आश्रम है या डाकुओं का अड्डा? रिश्ते की कैंची चलाकर मेरी जेबी काट डाली? क्या तुम्हें उल्लू के पट्टे? बेटा नहीं मलिक बोलपुरिया, आज तेरे 7 दिन पूरे हो गए, आज से तेरी सरस्वती शुरू हो गई। उठा के बाहर फेंक दे सारे का सामान। नहीं बेटा ऐसी मत करो। आठ तेरी याददाश्त बहुत कमजोर होगी। अभी तुझे याद दिलाता हूँ।
मैं सिर्फ तीन गिनूंगा और हर तीन गिने तक तुम लोग ने एक दूसरे को मारना शुरू नहीं किया तो इन गोलियों से मैं तुम लोग को उड़ा दूंगा। एक, दो, तीन। भागे माँ। मुझे नाज है तुम पर बेटे, तू ही हमारा रखवाला है। अब यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा और हम सर उठाकर जी सकेंगे। चलो कन्हैया बाबू, कैसे लो और फुटो यहाँ से। शाबाश। ये क्या? अरे जेल वाले बाबा और माँ जी, वो भी विधवा के रूप में। पर जेल वाले बाबा तो अभी तक जिंदा है। कोई अच्छी भी दास्तान है। लगता है इन पैसों की जरूरत इन्हें ज्यादा है, मुझे नहीं। अपुन के पास है, चल मुंह खोल। ये क्या कर रही है आप? क्या छोकरे के माफिक करता है? तेरे अंदर का मर्द सो गया है, उसको पहली धार का माल पिला के जगा रही है। ना जाने कौन से गटर का पानी पिला दिया आपने मुझे। हाय 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 हाय, अरे मेलिया, गटर का पानी ये तो तेरे लिए टॉनिक हुआ करता था। ए राम, मैं कहां फंस गया हूं? अबे ओए, ये भैरुपे का ढोंग किसी और को दिखाना। चल चोली बांध। छे, किस किस्म की औरत है आप? आपको शर्म लाज लज्जा हया है कि नहीं? हाँ, कभी बगीचा नायका है? चल चोली बांध। शी 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 शी, आपको शर्म नहीं आती क्या? गैर इंसान के सामने अपना जिस्म बताना चाहती है? नहीं, ये हक तो सिर्फ एक पति का होता है। अबे साले, आज पहली बार तूने अपन का अंदर का और जगाया है, जो तू इतने साल नहीं कर सका आज अपन करके दिखाए। अबे छोड़, अबे तू क्या कर दिया? आज तो मैं घेरा तुझे। अबे छोड़, शाबाश बरगे, लगे रहो हाँ। उधर भी तू। अब भाई बात समझ में, एक ही शक्ल के दो आदमी। अबे साले, बाप का माल समझ के छापा मारता है क्या? तू ये तो पप्पू है। आई गो। आप कौन है? अरे होल बॉम्बे जानता है कि मेरा नाम कन्हैया है और मैं ये भी जानता हूं कि तेरा नाम किशन है, तेरी माँ है, तू अनाथाश्रम में पला है। आपको कैसे मालूम? तकदीर ने ऐसा चक्कर चला दिया यार और मैं तेरे घर पहुंच गया। अरे ओ बिजली, अबे ये यहां आया कैसे? तू किसी का पॉकेट मार के भाग आएगा, ये साला दूसरी तरफ से वहां से आता होएगा। पब्लिक तेरे धोखे में इसको धोपा डाला। अरे अच्छा हुआ मैं वहां टाइम से पहुंच गई, वरना पब्लिक मार मार के इसके बॉडी का पंचर बना देता। माफ करना यार, मेरे किए की सजा तुझे भुगतनी पड़ी। इसमें तुम्हारी क्या गलती है दोस्त? किस्मत ने भी क्या साथ दिया जो मुझे यहां ले आया, वरना आज मैं तो खुदकुशी करने जा रहा था। हाँ? क्या कहा? तू खुदकुशी करने जा रहा था? कमाल है। अबे मेलिया, तुझे डोका ठीक है कि नहीं? हाँ? अरे आदमी खुदकुशी चार वजहों से करता है। नंबर वन बीवी, नंबर टू बीवी की माँ, नंबर थ्री पैसा, नंबर चार यानी प्यार। लड़की का नाम क्या है? राधा। राधा बहुत पैसे वाली है ना? बहुत पैसा है। मिलन का नाम मोंटी। राधा और मेरे बीच दीवार बनकर खड़ा है। अब समझा आइडिया। इस प्यार के नाटक में कन्हैया को किशन का रूप धारण करके राधा के दिल में बांसुरी बजानी पड़ेगी। तुम्हें तो कोई इतराज नहीं ना?
क्या बात कर रहे हैं आप? अब देखा मजा। फॉर्मूला नंबर 45। राधा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मगर कहने से पहले एक वादा चाहूंगा, कहीं तुम अपने इनकार के पत्थर से मेरे दिल का शीशा तो नहीं तोड़ोगी? बड़े शायराना अंदाज से बात कर रहे हो, लगता है काफी रिहर्सल करके आए हो। दरअसल बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि मैं और तुम और मैं। लाइट्स, लाइट्स, ये अंधेरा कैसा हो गया? बत्ती किसने बंद की? What is this tomfool going on? बत्ती को अभी जाना था। Bloody shit! Somebody go and attend to the lights! 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 चलो राधा, अच्छा ही हुआ। जो बात उजाले में जुबान पे नहीं आ रही थी, वो अंधेरे में आ जाएगी। I love you, राधा। वैसे हमारा मिलना बहुत मुश्किल है राधा, लेकिन जिनके दिल में सच्चा प्यार होता है ना, वो रुकावट के पहाड़ों को काट कर निकल जाते हैं और आग के दरिया पे चलकर किनारे तक पहुंच जाते हैं। मैं भी वहां पहुंचा। कहां? You're the most beautiful girl I've ever come across, darling. I love you. मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ। आज तुमने मेरे प्यार को कबूल करके प्यार के मार्केट में मेरा भाव बढ़ा दिया है। I love you, Monty. Don't disturb. I said Monty. तुम वहाँ? पर ये लड़कियाँ कैसे आ गई? कैसे आ गई? और मेलिया डेढ़ कलाक से कभी मेरा हाथ को चूमता है, कभी पैर चाटता है, और पूछता है कैसे आ गई? अरे गलती हो गई मेरी माँ। अरे माँ होएगा तेरा बाप, अंधेरे में भाई को और उजाले में माँ। तुला मीना छोड़ना। You flirt? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तरफ मुझसे प्यार का नाटक करते हो और दूसरी तरफ किसी के कदमों में झुके हुए फकीर की तरह प्यार की भीख मांगते हो। Bloody basket! You deserve it. तू कबाब में हड्डी कहाँ से आ गई? अगर तुम वहाँ हो तो किसने मुझे अंधेरे में किस? किस्मी आंखें चुरा के कहां चली, दिल को जला के कहां चली, आंखें चुरा के कहां चली, दिल को जला के कहां चली। तूने जलाया है मैं भी जलाऊंगा, पत्थर को एक दिन मोम बनाऊंगा, अपने इशारों पे तुझको नचाऊंगा। डांस आंखें चुरा के कहां चली, दिल को जला के कहां चली। मैंने कहीं देखी नहीं तेरे जैसी कोई हसीना, मेरे जैसा दीवाना भी तूने देखा होगा कहीं ना। मैंने कहीं देखी नहीं तेरे जैसी कोई हसीना, मेरे जैसा दीवाना भी तूने देखा होगा कहीं ना। तीखी गुजरिया मारे कटरिया, जुल्मी नजरिया मिलाई के, अरे गजरा रचाई के, गजरा सजाई के, सीने से अचरा उड़ाई के, झटके पे झटका मारे जिया पे, पतरी कमर लचकाई के। आंखों से तेरे दिल में समाऊंगा, तुझको भी एक दिन पागल बनाऊंगा, अपने इशारों पे तुझको नचाऊंगा। फुल्फे उड़ा के कहां चली, नखरे दिखा के कहां चली। Thank you.
एक बात बताओ, क्यों नहीं जाओगी? अरे भाई, जितना ज्यादा एक दूसरे के साथ तुम घूमोगे उतने ही ज्यादा एक दूसरे को समझोगे। किसको? इस आदमी को? हाँ। मैं इसे अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। He is nothing but a flirt. उफ। हेलो, कौन? अरे कुत्ते की औलाद, हरामी के पिल्ले। आपका फोन? मेरा फोन? हेलो, सुअर के बच्चे, चुप! आपने मुझसे कुछ कहा? लड़ी बास्केट, तेरा बाप। व्हाट? नहीं अंकल, अब आपसे नहीं। क्या मुसीबत है? कोई पिकनिक की बात हो रही है। अरे सुन डैडी, आप इसे नहीं जानते, कल रात ये किसी गैर लड़की के हाथ को चूम रहे थे और उसके प्यार के मार्केट में अपना भाव बढ़ा रहे थे, और वो लड़का किशन, वो सबके सामने मुझे छेड़ रहा था और ये मुझे बचाने तक नहीं आए, उल्टा उस लड़की के साथ स्विमिंग पूल में डांस कर रहे थे, मौज मना रहे थे। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नहीं अंकल, मैं उस लड़की के साथ नाच नहीं रहा था। तो फिर तुम स्विमिंग पूल से बाहर क्यों नहीं आए? अंकल बात ऐसी है कि तुम स्विमिंग पूल से बाहर क्यों नहीं आए? अंकल बताओ। अंकल बात ऐसी है कि उस लड़की ने मेरी पैंट उतार दी। पैंट? अभी बच्चे हो भाई। राधा बेटी, इस बारे से माफ कर दो प्लीज। राधा जी, अगर वो लड़की दोबारा नजर आई तो आपका जूता और मेरा सर। राधा प्लीज, इन्हें माफ कर दो। प्लीज इन्हें माफ कर दो। ओके ओके, माफ किया, लेकिन याद रखना अपना वादा, फिर से वो लड़की आई तो तुम्हारा सर और मेरा जूता, समझे? आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। कम ऑन, चलो चलो। मैक, तुम अभी एमएम रामास्वामी को फोन करके बस का बंदोबस्त कर दो। ओके बॉस। हम एम एम रामास्वामी बोलता है। हेलो मिस्टर सप्लायर, उस्ताद फेडर को कसम, अभी हम तुमको फोन करने वाला था, तुमको कैसे मालूम पड़ गया कि तो हम लोग इधर है? अच्छा, बम्बई जानता है कि तुम छमछा लोग उधर है। वी आर सो पॉपुलर मैन, हमको एक बस चाहिए पिकनिक वास्ते, और एक होटल भी, डबल रूम विद सिंगल बेड। मिल जाएगा, मिल जाएगा। यार बिजली, ये एम एम रामास्वामी सप्लायर कहाँ होगा? उसका पता निकालकर उसे पटाना होगा। साले को सब पटाऊंगी, उसका दिल मेरे खीसे में और बहन का चाबी तेरे हाथ में। सब लोग पिकनिक पर अपना अपना दिल बहला रहे हैं, लगता है जैसे आप हमारी जलती हुई चिता को आग लगा रहे हैं। अब सारे सफर ये महाराज जी आपसे चिमटे रहेंगे, तो हमें मौका कैसे मिलेगा? मौका? कैसा मौका? मेरा मतलब है, मैं अपने प्यार के इस तोहफे को
आपके सुराईदार गर्दन पर पेश करना चाहता हूं। पेश कीजिए। You bloody idiot! तुम आदमी या फुटबॉल? हम इधर को ब्रेक पर किक मारता, तुम सरेगा फुटबॉल का माफे, उसे के इधर उड़ जाता, हाँ? ज़्यादा बड़बड़ मत कर टकलू। ऐ तेरे बाप टकलू। चमरा। हम तुमको दूसरा किक मारेंगा, तुम जाकर क्लीनर के गोद में सड़ेगा। साले टकलू, मैं तुझे देख लूंगा। हम तुमको क्या दिखाएंगे, हम तुमको दिखाएंगे। तुमको मालूम हमारा नाम क्या? यम यम रामा स्वामी, मतलब मैनी मैनी मर्डर करने वाला। अरे समझे समझे, सीधा गाड़ी चला। तुम हमको बहुत सीधा गाड़ी चलाओ। हम हमारा आका कान दान ड्राइवर, हमारा बाप बैलगाड़ी चलाता, हमारा चाचा घोड़ा गाड़ी चलाता, हमारा दादा मर गया अब स्वर्ग में हाथ गाड़ी चलाता, हमारे मामा फ्रॉग नर्क में गधा गाड़ी चलाता, और तुम हमको बहुत सीधा गाड़ी चलाओ। अरे दोस्त ऐसा मत करो, हम इस सुनसान जंगल में कहाँ जाएंगे? तुम केदार पे जाओ, रेखा के पास जाओ, परवीन बाबी के पास जाओ, इस रतमान के पास जाओ, मगर यम यम रामा स्वामी की गाड़ी में चला। अरे भाई मैं अपनी गलती में बहुत शर्मिंदा हूँ। हम तुम शर्मिंदा है या कुलभूषण शर्मिंदा है, हमको क्या? अयो मगर तुम ये पद्मनी कोल्हापुर के माफे खूबसूरत चौकड़ के कंधे पर हाथ रखकर इस कुत्ते के माफे छोकरे हमको प्यार से नहीं कहेंगे ना कि मिस्टर यम यम राम स्वामी आप गाड़ी आगे चला, तब तो हम गाड़ी आगे नहीं ले जाएंगे क्या? राधा जी इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाइए। ऐसे ओके प्लीज मिस्टर रामस्वामी। यम यम। हाँ मिस्टर एम एम रामस्वामी, अपना गुस्सा थूक दीजिए ना। बदतमीज। ए लंबो डॉगी, तुम इसे छोकरी पर लाइन मारता ना, हम तुम्हारा प्यार का टेस्ट लेंगे। मांगो मांगो। यह है लवर पॉइंट जी, इधर पे वर्ल्ड का बड़ा बड़ा लवर अपना लव का टेस्ट करेंगे। लेना मजनू सुबह शाम शाम सुबह इधर पे अपना लव का प्रैक्टिस करता था जी। टकलू उधर के रोमियो जूलियट का कवर उधर पे जी, सोनी मेवाल का कवर ही है। मिस्टर मांटी क्या तुम मांडन रोमियो लवर बॉय? लवर बॉय तुम इधर को खड़ा रहेंगे ना, उधर को देख के बम मारेंगे। आई लव यू, तुम्हारा प्रेम सच्चा तो आवाज रिटर्न वापस। आई लव यू है तो डांकी। मैं ये बकवास नहीं मानता। मोंटी। यस राधा। अगर तुम्हारे प्यार में वाकई जान है तो इन बेजान पत्थरों से तुम्हारे प्यार की आवाज जरूर वापस आएगी। यस यस गीत गाया पत्थरों ने। कम ऑन ट्राई। आई लव ऐसा नहीं, पहले झुको फिर पकड़ो अभी भोको। लव यू शायद झुकने से आवाज आ जाएगा। कम ऑन झुको 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 झुको। I love you. ठीक है। मांडी जी, तुम डांकी। आगे आगे आगे। चुपचाप चुपचाप मार डालेगा मार डालेगा। मिस्टर मोंटी। प्रिंस ऑफ टीनेजर्स आपके लिए महाराजा का स्वीट बुक आका है। अच्छा। वेरी गुड। अब ये घाटन। अरे टकलू कैसा रहा? फॉर्मूला नंबर 48। हाँ। तू जाकर लोहे को गर्म कर। मैं हथौड़ा लेके आता हूँ। घोटाला? अम्मो यो 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 राधा जी, वो लंबू डोंकी है ना, वो चार चार छोकरी के साथ चक्कर चलाता राधा जी,
क्या बकते हो? तुम सच बोल रहे हो? हम अपना टक्कर का कसम खाता राधा जी। तो फिर चलो। मैं तुम्हारी राधा। डाले एक बार आंखें तो खोलने दो, तुम्हारा दीदार तो करने दो। पहले बोलो मैं तुम्हारी कौन? तुम तो मेरे दिल की रानी हो, मेरे सपनों की शहजादी हो। मैं तुम्हारे प्यार का दीवाना हूँ। सच्ची? दीवाना मुझसा नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा। डार्लिंग, हम प्यार की दुनिया कहीं दूर जाकर बसेंगे, जहाँ पर सिर्फ तुम रहोगी, मैं रहूंगा और हमारा प्यार रहेगा, और कोई तीसरा नहीं होगा। तू 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 क्यों तू क्यों? राधा जी मेरी बात तो सुनिए। तू तुम्हारी कवाड़ी हरा तुम डांग की खड़ा राधा जी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। क्यों? तुम्हारा उस लड़के के साथ कोई रिश्ता नहीं था ना, तुम उसे जानते तक नहीं? जानता, आई स्वेयर। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम्हें याद होगा तुमने कहा था कि दोबारा वो लड़की नजर आए तो मेरा जूता होगा तुम्हारे साथ। हाँ। राधा जी ये पोड़ा मुत्तला पोकड़ी पिल ले या बोलता मार दे तू, देखा क्या? राधा जी अगर आपको मेरी सच्चाई पे शक है तो ये नीचे चप्पल और मारिए मेरे सर पर। राधा जी अगर आपने मुझे नहीं मारा तो मैं समझूंगा आपने मुझे माफ नहीं किया। राधा जी ये डांग की तुम्हारा वास्ता 1000 जूता खाने को तैयार। नहीं क्या बात कर, चप्पल में तो खिले हैं, बात तो सिर्फ एक की हुई थी। तुम लंबो तंबू लैंप पोस्ट या औरत का जूता आंख खोल कर खाएगा? अरे आंख बंद कर डोंकी। राधा जी मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, आप जी भर के मारिए। कोई बात नहीं, मारिए जी भर के मारिए। बाप रे ये लड़की का हाथ है ये हथौड़ा। अरे रामा स्वामी कुछ करो मेरा भाई। तुमको कान आत? हाँ गाना यस जा गंजे मैं समझा नहीं। हाँ मैं तुमको समझाएंगा। दिलीप कुमार ने सारा बानू को बैराग में पटाया गाना गा के। अमिताभ बच्चन ने जया बादरी को एक नजर में पटाया गाना गा के। ऋषि कपूर ने नीतू चिंग को खेल में पटाया गाना गा के। धर्मेंद्र ने हमारा साउथ हीरोइन अम्मा मालिनी को छोले में पटाया गाना में गाली देगा। घबराने का नहीं हम तुमको जूता मारेगा। घबराने का नहीं। रामास्वामी ये सब क्यों मेरे भाई? तो तुम्हारा पटेल हाल देखेंगे ना तो कहेंगा बम्बई से आया तेरा दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो दिन को आराम करो। बम्बई से आया मेरा फ्रेंड को जूते मारो, रात को चंपी करो दिन को नीलम करो। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाक का टुकड़ा रहता है, उल्लू के इस पट्टे से कुछ उखड़ा रहता है। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। होश में आ जा बम्बई के कड़के, मारेंगे चप्पल तुझे गलियों के लड़के। प्यार में मरेगा तू यार सड़ सड़ के, प्यार में मरेगा तू यार सड़।
सड़ सड़ के तेरी माँ। रंबा हो 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 ऐसा हो 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 दिल दा 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 खंबे पा 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 लंबा हो 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 छोटा हो 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 मोटा हो 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 I am a disco dancer I am a disco dancer I am a thakali dancer के पग घुंघरू बांध छका नाचे रे और हम नाचे बिन घुंघरू के छका नाचे रे सता नाचे रे अठा नाचे रे कोई यहाँ नाच नाचे कोई वहाँ नाच नाचे वाह वाह बाप तेरा यहाँ नाचे नाचे अम्मा तेरी यहाँ नाचे नाचे चमचे तेरे यहाँ नाचे नाचे कौवा 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 मारो सारे को मारो पत्थर से पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को मेरे दीवाने को लला हाजिर है मोहब्बत में सजा पाने को वो सजा पाने को सारी दुनिया प्यार के दुश्मन हाय 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 सारी दुनिया प्यार के दुश्मन हाय हाय कपड़े फटे हाय हाय जूते पड़े हाय हाय माथा फूटा हाय हाय दिल भी टूटा हाय आवाज दे कहाँ है लैला भी जवा है लैला भी जवा है लैला लैला जो भी पूछ रहे हमको पूछ रहे वो डुप्लीकेट को क्या बुलाते रहे तो तुम एम एम रामा स्वामी हो आवाज तुम्हारा है और न तो कहते रहे बाप का इंस्पेक्टर साहब एक छोकरी ब्यूटीफुल हमको इधर धक्का मारा हम गिर गया हमको बोलते कड़ा करो हम कड़ा किया तो हमारा वैन लूट गया रे क्या बकवास तुम नहीं हो हम भी एक घटन को ऐसा किया था हम भी लूट गया था अरे याद नहीं आ रहा अरे ये हमारे वाइफ का हस्बैंड बन के 7000 रुपया का माल लेके भाग गया था अरे कम से कम हमारी वाइफ को लेके भाग गया था तो हमारा कितना बोझ कमती होता अरे देख लेगा तो यू आर अंडर अरेस्ट इंस्पेक्टर तुम मुझे नहीं जानते तुम कोई भी हो मुझे जानने की जरूरत नहीं तुम्हें जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में जाकर कहना उसके बाद तुम्हारा पटल उतारेगा उसके बाद तुम्हारा गंजी उतारेगा उसके बाद तुम्हारा चड्डी उतारेगा और तुमको नंगा करके जेल में भेज देगा
ये बात चढ़ाई क्यों? चिल्लाता काहे को है? उसके बाद भी अगर हमारा भाड़ा वसूल नहीं हुआ ना तो जेल में आके हम तुम्हारा भट्टा खाएगा। हमारा नाम है रुस्तम जी, सुना के डांट वाला इंस्पेक्टर, इसका ध्यान रखना, ये बहुत बदमाश आदमी जेल में चक्कर चलाएगा। तू? जी हाँ, आपके थप्पड़ का जवाब प्यार से देने वाला लव बॉय। देखो छोड़ो मेरा हाथ, मैं कहती हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से। अजी आपके रास्ते से हट जाएंगे तो मेरे दुनिया से मिट जाएंगे। तो मिट जाओ। किस मी? जहर में जाओ। किस मी? I said go to hell. I said किस मी? किस मी? हम तो जिद के पुतले हैं, जो चाहते हैं उसे हासिल करके ही रखते हैं। आइए तशरीफ रखिए। कहाँ फंस गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो चल के देखते हैं। चलिए। वाह किशन, जवाब नहीं दे रहा, बड़ी सुंदर गोपी चुनी है तेरे अपने। कितना बदल गया है ये, पहले कितना सीधा साधा था, शायद मुझे बेवकूफ बना रहा था, अब मैं भी इसे मजा चखाऊंगी। बहुत सही जगह पर रोका आपने, बहुत देर से हुजूर इश्क का भाषण दिए जा रहे थे, अब देखते हैं आपके इश्क में कितनी सच्चाई है। आइए। आपको शायद मालूम नहीं, ये जगह प्यार को जांचने का पैमाना है। अच्छा? अगर आपके प्यार में दम है तो इन बेजान पत्थरों से भी आपके प्यार की आवाज गूंज उठेगी। इन बेजान पत्थरों की क्या बात करती हो? अगर हम चाहें तो इस बेजान हुस्न की जानदार दिल की भी आवाज सुनाते। मैं तेरा प्यार। लगी शर्त? जो तुम कहो। किस में? डन। मैं तेरा प्यार हूँ, प्यार हूँ, प्यार हूँ, तू मेरा प्यार है, प्यार है, प्यार। मैं दीवाना प्यार की, मैं दीवानी प्यार का, मैं दीवाना प्यार की, मैं दीवानी। कोई प्रेम कहानी हम मिलके लिखेंगे। मैं तेरा प्यार हूँ, तू मेरा प्यार है, प्यार का मैं दीवाना। Thank you.
दिल क्यों धड़के अपने दिल से पूछ ले मैं तेरा प्यार हूँ प्यार का मैं दीवाना प्यार की मैं दीवानी कोई प्रेम कहानी हम मिलके लिखेंगे तलाश थी क्यों तू तो कहती थी कि तू मेरे दिल की रानी है हैं तेरी असलियत का अब पता चला तू तो घाटा मेरे धोबन है पता तेरा वो नकली रामास्वामी कौन है वरना निचोड़ के रख दूंगा भाई ये क्या हो रहा है क्या क्या कर रहे हैं आप लोग स्टार्ट पेट्रो भाई साहब एक मिनट ओ इसी में एक मिनट नो काउंटिंग मेरी बात सुनो हम एक दूसरे को मारते हैं ना ना वन टू नमक हराम आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं खत्म क्या कर रहे हो पागल हो गए क्या तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो तुम लोग घर में तुमको देखता हूं Thank you.
गैर इंसान के सामने अपना जिस्म बताना चाहती है? नहीं, ये हम तुझसे देख करती गौरव है। अटेंशन प्लीज दोस्तों, आज हमने आपको यहां इस मूर्ति की कहानी सुनाने के लिए बुलाया है। दरअसल यह मूर्ति आज से कई साल पहले हमें एक पुराने खंडर में मिली थी। उसके बाद दुनिया के बड़े बड़े बदमाशों ने इस मूर्ति को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस मूर्ति को हासिल नहीं कर पाया। मैं जानता हूं आप लोगों को शायद ये ताज्जुब हो रहा होगा कि फिर हमने इस मूर्ति को इस तरह खुलेआम बाहर क्यों रख रखा है। उसकी वजह यह है कि इस मूर्ति तक पहुंचने का एक शतरंजी राज है जिसे हम और हमारी बेटी जानती है, और वो राज कातिलाना है। अगर किसी को कोशिश करनी हो तो कोशिश कर सकता है, लेकिन हम ये मशवरा नहीं देंगे। मैं ट्राई करो तो। ओके। तुम? अच्छा, चेयर अप माय फ्रेंड्स, चेयर अप। इसी बात पर हम आपको एक और खुशखबरी सुनाते। हम अपनी इकलौती बेटी राधा की सगाई सुंदरलाल, तू क्यों खड़ा हो गया? शादी के लिए और काय के लिए? तेरे साथ नहीं, तेरे बेटे मोंटी के साथ ऐलान करते हैं। किसके साथ? जवान बाप को छोड़कर बुड्ढे बेटे के साथ शादी करा रहे हैं, सुखी नहीं रहेगी। अबे बैठ जा बुड्ढे। दादा तुम आज चली क्यों आई? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन डैडी आप समझते क्यों नहीं? देखो राधा, मैंने बाप होने का फर्ज निभाया, अब वक्त आ गया है कि तुम बेटी होने का फर्ज निभाओ। तुम्हारी शादी मेरे अजीज अमीर दोस्त सुंदरलाल के बेटे मोंटी से ही होगी। किसान! कौन है भाई? हमारा किसान। क्या हुआ कन्हैया? वो लंबू के तंबू में बंबू। मैं समझा नहीं। अम्मा, राधा जी ने सबके सामने वो सुंदरलाल का अकल का मोटा, नियत का खोटा, संडास का लोटा के माफिक डोंकी मोंटी को ऐसा फुटबॉल का ड्रॉप किक मारा। अम्मा, हम तुम्हारे रंबा गुड गुड न्यूज लाया। तुमको राधा जी तुम्हारे कपड़े पहनने से मैं किशन से कन्हैया हो जाऊंगा? और फिर तुम तो जानते हो ना, राधा को देखकर तो मेरी भलती बंद हो जाती है। हमको मालूम जी, हमको मालूम, पर इसका फॉर्मूला हमारे पास है क्या? तू डर मत, मैं वहां जाकर ड्रामा का ऐसा वायर फिट करूंगा कि तू वहां जाकर सिर्फ स्विच ऑन करना, समझा? और फिर जो प्यार की रोशनी राधा के दिल में चमकेगी वो तुझे आकर लिपटेगी और कहेगी आई लव यू। क्या समझा? पहले आकर मुझसे लिपटेगी, फिर कहेगी आई लव यू। अबे ओ किशन, कन्हैया कन्हैया, क्या सचमुच मेरा सपना पूरा होगा? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अरे पर मुन्नी का कसम खाता पूरा होगा। क्या मुन्नी? कौन मुन्नी? थी मेरी बचपन की साथी जो मेरी दुनिया से बहुत दूर चली गई। खैर तू ठीक 9 बजे पहुंच जाना है, समझा? यस सर। अपन जाकर तेरा मामला फिट करता है क्या? किशन पहुंचेगा तब ना।
ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। राधा यहीं से लेगी। फॉर्म नंबर 47। मामला फिट। एक दो तीन। देखिए मिस्टर ट्री, थोड़ी देर के हम आपको राधा समझ लेते हैं। लो, आ गई तुम्हारे ख्यालों की राधा। एक दो तीन, ये गिर गई। ये क्या बदतमीजी है? अरे सुना है भीगी हुई लड़की दावत गुना होती है। यहाँ मैं सर्दी से मर रही हूँ और तुम्हें आप यहीं बैठेंगी क्या? अगर मैं राधा होती तो मैं यहीं बैठकर अपने भीगे बदन को सुलगाती। शाबाश। आइए बैठिए बैठिए। हाँ अजी, ये हुई ना मोहब्बत में पटाखे छोड़ने वाली बात, ऐसी लिपटोगी ना? अजी मियाँ, जब पटाखे ऐसे झटके देंगे ना तो लिपटना ही पड़ेगा। अजी जिस मोहब्बत में झटके ही नहीं उसका मजा ही क्या, पूरे 85 झटके देना यार। तू बड़ा ले लियो। चला बे भट, राधा याती होगी क्या? तड़ा सोने की चिड़िया जाल में फंस। बिजली? क्या बिजली, तू तैयार नहीं हुई? हाँ अरे कन्हैया ना, मैं 9 बजे बुलाया है। अभी तैयार होती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बिजली, ए बिजली, एक कप चाय पिलाना। कड़क पाजे का है। ओ ये ले, हाथ में पकड़। सोने की चिड़िया जाल में। अरे बिजली, ओ बिजली, दूध कहाँ है? मेरे पास है, इकड़े आन। सोने की भाई चिड़िया, सोने की चिड़िया। 9:30 बज गए, किसने अभी तक नहीं आया? अभी राधा आती। आ गई आ गई। बचाओ बचाओ। अरे भाई किशन जल्दी से आ जा, अभी वक्त है। कौन? बचाओ, मेरा पैर फंस गया है। बचाओ। आप रुकिए, मैं अपने टावल लेके आता हूँ। फंस गया मैं। आप यहाँ नहीं बैठी थी। क्यों? वो आप यहाँ बैठेंगी तो मुझे 85 झटके लग जाएंगे। 85 झटके? ठंडी है। तुम कन्हैया हो, तुम कन्हैया हो। कन्हैया? कौन कन्हैया? ताश के ये पत्ते जमाने से बहुत कुछ छीन लेते हैं, लेकिन आज मुन्नी ने इसे अपने बचपन का साथी पा लिया।
दिल छू लिया तूने क्या किया। दीवार साहब इस मोहब्बत के सैलाब को रोक नहीं सकते मालिक। मैं इस मोहब्बत के सैलाब को खून के सैलाब में बदल दूंगा। अच्छा कन्हैया, कल मिलेंगे। देखो मुन्नी, जो तुम्हारा बचपन का साथी था वो एक चोर था, एक कमीना था, वो तुम्हारे लायक नहीं था, वो मर चुका है। लेकिन उसके रूप में आज तुम्हारे सामने एक नया इंसान खड़ा है। उसकी ईमानदारी और सच्चाई पर लोग कसमें खाते हैं। उसका नाम है किशन। आई लव यू किशन। अच्छा चलता हूं। देखो लड़के, तुम कौन हो मैं ये जानना नहीं चाहता,
लेकिन दोबारा अगर तुमने मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मिटा के रख दूंगा। जो आदमी खुद मिट चुका है उसे आप क्या मिटाएंगे राय साहब? वैसे भी आज तक दुनिया की कोई भी शक्ति राधा और किशन के प्यार को नहीं मिटा सकी। अरे कन्हैया तुम लौट आए? हाँ लेकिन बहुत बुरी तरह हार कर लौटा हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। अगर ये बात मैं तुमसे कहूं तो मैं समझा नहीं। आज से राधा सिर्फ तुम्हारी है। सच? और हाँ, आज के बाद मैं तुम्हारे और राधा के मामले में साथ ही दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा काम अब पूरा हो चुका है, मैंने अपना वादा निभा लिया है। तूफान से कश्ती निकालकर तुम्हारे हवाले करती है और साथ में उसकी पतवार तुम्हारे हाथ में देती है। मैं अकेला कैसे? चल दोस्त, तू भी क्या याद करेगा कि किस ना खुदा से पाला पड़ा है तुझे। आइए मेरे बचपन के साथी राध जी। अरे रामस्वामी। यम यम। तुम कहाँ चले गए थे? राध जी अम्मा बहुत लंबा टूर पे चल गया था, पर हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज लेकर आया। आई नो यू। हेलो राधा। किशन। ओ रामस्वामी यू आर सो स्वीट। राधा जी अपना काम क्या? पैसेंजर को मंजिल तक पहुंचाना। अच्छा हम चलता हैं। अरे रुक जाओ रामस्वामी। आइयो राधा जी अपना जिंदगी का रास्ता पर हमको गाड़ी अकेला ही चलाना होना। रामस्वामी आई लव यू रामस्वामी। आई लव यू। अच्छा बेटी, तुम फौरन जाकर अपने माता पिता को बुलाकर ले आओ। मैं चट मांगनी और पट ब्याह कर देना चाहता हूं। जी मेरे पिताजी तो नहीं है, मां है, वो नाताशन चलाती है। भाई साहब
मैं बहुत गरीब इंसान हूं। एक बात तुम पर साफ कर दूं बेटे, अमीरी और गरीबी में यकीन मैं भी रखता हूं, लेकिन उस रात तुम्हारी आंखों में प्यार का जो मैंने तूफान देखा था, उसने मुझे यकीन दिला दिया कि तुमसे बेहतर मेरी बेटी का हमसफर और कोई नहीं हो सकता। देख बाजा वाले आ गए होंगे, उनको अंदर ले आ। हाँ, भी करता हूँ। अरे कुर्सियां जल्दी लगाओ भाई। भैया मैं भी कुछ काम करूँ ना। तू क्यों खड़ा है, तू यहाँ बैठ। शाबाश किशन, अभी तक तैयार नहीं हुए, सगाई का वक्त हो गया। होता हूँ। अरे बिजली, सगाई मुबारक हो। देख ना बिजली, कन्हैया अभी तक नहीं आया। वो आएगा पर नहीं। अरे क्या बात करती है, कैसे नहीं आएगा? अगर वो नहीं आए ना तो कसम से उसके साथ सारी जिंदगी बात नहीं करूंगा। हाँ ए बिजली, आज इस खुशी के मौके पर तू नाचेगी ना? अरे तू चुप क्यों है, बोल ना। आज तू जो मांगेगी ना मैं दूंगा। मैं जो मांगूंगी वो तो कभी नहीं दे सकता। अरे मांग के तो देख। तू आज अपन का वास्ते एक कफन लेकर आ। कफन? क्या भक्ति है? मैं भक्ति नहीं हूँ। वो कफन जो कन्हैया के अरमानों की लाश पर बिछेगा, वो अरमान जिसे जलाकर उसी आग के साथ तू राधा के साथ चारों तरफ फेर लेने वाला है। लेकिन उस रात तुम्हारी आंखों में जो प्यार का तूफान मैंने देखा था, अरे किशन सगाई मुबारक हो। पर तुम यहां क्या कर रहे हो? किशन अपना फर्ज अदा करने आया है। फर्ज? हाथ आए हुए खजाने में से तुम्हारा हिस्सा तुम्हें देने आया है। कैसा हिस्सा? अरे आज मंगनी कल शादी, अग्नि के साथ चक्कर लगाने के बाद मेरा चक्कर शुरू होगा। एक हाथ से मैं उसके गले में मंगलसूत्र बनाऊंगा, दूसरे हाथ से उसके बाप की जेब से तिजोरी की चाबी निकालूंगा, फिर एक हाथ से मैं उसके माथे पर सिंदूर लगाऊंगा, फिर दूसरे हाथ से उसके बैंक के चेक पर साइन करूंगा, फिर एक हाथ से उसके खूबसूरत जिस्म पर अपना हाथ फेराऊंगा, तो दूसरे हाथ से उसके बदन से सारे जेवरात निकाल कर उससे मैं नंगा कर दूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा मतलब है कि तुमने राधा को भी चाहा नहीं? चाहा है मगर राधा को नहीं, राधा की दौलत को। राधा तो मेरे लिए एक मामूली सी छिछोरी छोकरी है। तुमने अपनी असलियत बताई दी ना? असलियत तो अब जाकर खुली है। ये चोट जो तुमने मुझे दी है वही चोट है जो तुमने राधा की जुदाई पे अपने दिल पर सही है। अगर मैंने ये नाटक ना खेला होता ना तो ये चोट तुम जिंदगी भर कभी जाया नहीं होने देते। मुझ जैसा कांटेदार पौधा तुम दोनों के बीच कांटों का पेड़ बनकर खड़ा हो गया। मैं कौन होता हूं? मैं कौन होता हूं कि पुजारण के मंदिर से उसके देवता को हटाने वाला? राधा तुम्हें चाहती है, तुम उसे चाहने लगे हो? ये सब बकवास है, मैं जा रहा हूं। तुम जाना ही चाहते हो ना? जाओ मगर मेरे लाश पे से जाओ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हमारी जिंदगी के फैसले को किस्मत के हाथों आजमाना चाहता हूं। क्या मतलब? तुम हमेशा पत्तों से जिंदगी का खेल खेलते आया हो ना कन्हैया, आज एक दांव प्यार के नाम पर भी खेल लो। नहीं ये नहीं हो सकता। तुम्हें मेरी कसम कन्हैया, मेरे लिए, अपने लिए, राधा के लिए, राधा के प्यार के लिए, ठीक है, और अगर हुक्म का बादशाह हो तो जीत तुम्हारी है और चिड़ी का गुलाम हो। नहीं किशन, इस बार मैं हारना चाहता हूं। अगर चिड़ी का गुलाम होगा तो जीत मेरी
और हुक्म का बादशाह तो राधा तुम्हारी। बिजली, मैं कपड़े बदल रही हूं, जरा मुझे अपने पते दे देना। एक मिनट बिजली, यही मौका है अपने प्यार को हासिल करने का। लो पता उठाओ। नहीं तुम उठाओ, नहीं तुम ही उठाओ। ठीक है मैं ही उठा लेता हूं। चिड़ी का गुलाम मुबारक हो, अब राधा तुम्हारी है। वाह किशन की चिड़ी के गुलाम, आखिर में आज तूने कन्हैया के इस हुक्म के बादशाह को हरा ही दिया। कन्हैया तूने मुझे धोखा दिया, कन्हैया तूने मुझे धोखा दिया, कन्हैया यार तूने मुझे धोखा दिया, कन्हैया यार तूने मुझे धोखा दिया।
आश्रम के किशन हो ना? जी। और वो कन्हैया, अस्तीन का सांप मेरा हमशक्ल। तुमने कन्हैया का कुत्ता पना देख लिया, अब लाल का कमाल देखो। ये रहे अनाथ आश्रम के कागज, ये 10 लाख रुपए। वहां तुम अपनी मां और अपने अनाथ भाइयों के साथ आराम से रहना। अब रहा राधा का सवाल, तो ये लाल राधा को रुमाल की तरह तुम्हारी जेब में डाल देगा यूं। पर मुझे करना क्या होगा? एक्टिंग। तुम्हें राधा के दिल में मोहब्बत का लाल किला बनाना होगा, अपने प्यार के जरिए उसके करीब पहुंचना होगा, और पहुंचने के बाद उससे मूर्तियों का राज उगलवाना होगा। लेकिन लेकिन कन्हैया का क्या होगा? कुछ नहीं, कन्हैया की नैया को मैं ऐसे डुबा दूंगा कि दुनिया को पता ही नहीं चलेगा कि उसकी मैया ने कभी उसको जन्म दिया था कि नहीं। बोलो, मंजूर है? ऐ शाबाश। हाँ भाई, खाली बोले बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? 2 दिन से घर क्यों नहीं आया? माँ जी वो, अरे शांति, ये है मेरा बेटा किशन और ये तेरी दाई माँ है। माँ जी वो क्या कि भगवान मेरे गोद की इज्जत रख ले, या फिर मुझे अपने शरण में ले ले भगवान। माँ
चाय ना, आओ ना। माँ ये किशन की माँ जी है, माँ जी ये मेरी माँ है। ये तो कैसी बातें कर रहा है किशन, अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर रहा है। नहीं माँ जी मैं किशन नहीं, ये मेरी माँ है, मेरा नाम कन्हैया है। शांति तेरी तो कोई औलाद नहीं थी। माँ ये क्या कह रही है, माँ इनसे कह दे कि मैं तेरा बेटा हूं। माँ तू चुप क्यों है, बोलना। माँ तू चुप क्यों है, बोलना। माँ तू चुप क्यों, बोलती क्यों नहीं कि मैं तेरा बेटा हूं। माँ बोलना चाहिए, मैं तेरा बेटा हूं। माँ ये क्या किया तूने, माँ किराया अदा किया है बेटा। परसों से मैंने तेरी मुस्कुराहटों के चराग जलाए हैं। मैं तो सिर्फ तेरी दाई माँ हूँ रे। दाई माँ जो बच्चे को अपनी माँ से मिलाती है, यही तेरी सगी माँ है कन्हैया। जन्म जन्म से तेरी कहानी यही है मेरे कन्हैया। माँ देव की जन्म दे तुझको, पाले यशोदा मैया। जन्म जन्म से तेरी कहानी यही है मेरे कन्हैया। आओ कन्हैया आज मैं बहुत खुश हूं रे, मेरे दोनों बेटे मेरे साथ एक ही छत के नीचे हैं। माँ किशन कहाँ है? किशन मूर्ति का राज हासिल करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। टॉमी क्या हो गया तुम्हें? हाँ क्या हो गया? कौन? किशन? अरे तुमने किशन को नहीं पहचाना? नॉटी बॉय। अरे ये तो तुम्हारे मालिक है। मेरे मालिक, मेरे भगवान। भगवान? तुम लोग तो उस पत्थर के भगवान के पुजारी हो, मेरी पूजा क्या करोगे? क्या मतलब? मेरी ख्वाहिश पूरी करोगी? ख्वाहिश? ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो राधा अपने किशन के लिए पूरी नहीं कर सकती, बोलो। फिर तुम्हारे इस भगवान को उस भगवान तक पहुंचने का राज बता दो। क्या? क्यों डर गई? क्या तुम्हें अपने किशन पर विश्वास नहीं? क्या बोल रहे हो, मुझे अपने आप से ज्यादा तो तुम पर विश्वास है। शतरंज की इस चाल पर सब राज छुपा हुआ है। काले घोड़े की सबसे पहले ढाई चाल दाएं की तरफ, दाएं प्यादे की एक चाल आगे मूर्ति तक पहुंचने के लिए, और बाहर निकलने के लिए एक कदम काले हाथी की तरफ, और उसके बाद तीन कदम सफेद ऊंट की तरफ। फिर अब तो मैं चोरी करने ही आऊंगा। चोरी? तुम्हें काले घोड़े की ढाई चाल दाएं तरफ, दाएं प्यादे की एक चाल आगे मूर्ति तक पहुंचने के लिए, और बाहर निकलने के लिए एक कदम काले हाथी की तरफ और तीन कदम सफेद ऊंट की तरफ। मैं जाऊंगा। काले घोड़े की ढाई चाल दाएं की तरफ, दाया प्यादा
किशन। मालिक, मालिक। रामू, रामू ये किसने किया? मालिक, किशन। रामू चाचा। किशन। तुमने मुझे धोखा दिया, प्यार के जाल में फंसाकर तुमने मुझसे मूर्ति का राज हासिल कर लिया। ये क्या कह रही हो तुम? कल रात तुमने मूर्ति को चुराकर रामू चाचा का भी खून कर दिया। मेरे भाई किशन, तूने ये क्या किया? तूने ये क्या किया किशन? तूने ये क्या किया? तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब दो, जवाब दो। ये क्या जवाब देगा? पुलिस रिकॉर्ड में चोर है, खून भी कर सकता है। नहीं, मेरा बेटा ना चोर हो सकता है ना खूनी। मालती, ओ तो ये तुम्हारा बेटा है। ठीक भी तो है, सांप संपोले ही तो पैदा करेगा। जो काम बाप नहीं कर पाया वो बेटे ने पूरा कर दिया। राय साहब चुप रहो। आज से 20 साल पहले भी तुमने अपने आंसुओं से अपने पति के गुनाह को छुपाने की कोशिश की थी, और आज आज अपने आंसुओं से अपने बेटे के जुर्म को धोने की कोशिश कर रही हो। ये झूठ है। कह दे बेटे, बता दे इन्हें कि तू बेगुनाह है, तेरी माँ का खून इतना गंदा नहीं हो सकता। बोल बेटे, चुप क्यों है? बेटे, माँ, ये खून तेरे बेटे नहीं किया है। पहली बाजी तो हमने जीत ली है डैड। इसको कहते हैं लाल की लाली से दुश्मनों की दुनिया जली। ऐसे मिस्टर लाल, मिस्रा पटाए हैं। हेलो, वो आए घर में, हमारे बेईमानी की रहमत है, कभी हम उनको कभी अपनी दौलत को देखते हैं। ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। मिस रॉबर्ट, यह लाल के कमाल में जमाल पैदा करने वाले मिस्टर किशन लाल। हेलो, वो तो सब ठीक है मिस्टर रॉबर्ट, मगर लाल को जो माल मिलने वाला था वो माल कहाँ है? मिस्टर एम, इस मूर्ति के लिए बेशुमार दौलत लेकर इतवार की रात ठीक 12 बजे यहाँ आ रहे हैं। इस हराम मौत के जिम्मेदार तुम खुद। चलो मेरे साथ। बेटा कौन है तुम? तेरे पत्तों के हिसाब से बेगुनाह और निर्दोष तेरा जेल वाला बाबा। जेल वाले बाबा नहीं, आप मेरे पिताजी हैं। ये क्या कह रहे हो बेटा? हाँ पिताजी, मैं ही आपका बदनसीब बेटा कन्हैया हूँ। पिताजी, पिताजी, पिताजी। नहीं, मेरा बेटा खूनी नहीं हो सकता। हाँ पिताजी, ये खून मैंने नहीं किया, बल्कि अपने हमशक्ल भाई किशन का जुर्म अपने सर ले लिया मैंने। तेरा भाई किशन? हाँ, कुछ बुरे लोगों के चक्कर में पड़ गया और उनके कहने पर राय साहब की करोड़ों की मूर्ति लेकर फरार हो गया, और उस दौरान जो खून, उसका इल्जाम तूने अपने सर ले लिया। हाँ, 20 साल पुरानी कहानी आज फिर दोहराई जा रही है। मेरी खामोशी ने सुंदर लाल के पाप के बाजुओं को और भी मजबूत बना दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटे, उस रात जब मूर्ति का पहरा दे रहा था। कौन है? मुबारक हो, तुम्हारी बीवी को लड़का पैदा हुआ है। यार जरा ध्यान रखना है। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मेरा भाई बेवकूफ है ना, एक नंबर। उसे इस मूर्ति की कीमत का अंदाजा नहीं की है। आप इसकी कीमत मेरे हवाले कीजिए, कोई आता ही होगा, मुझे जाना है। अभी करता हूँ, और जाना तो तुमको पड़ेगा ही। मूर्ति मेरे हवाले कर दो। नहीं बेटे, सुंदर लाल को मैं ये कहानी दोबारा नहीं दोहराने दूंगा। अपने बेटों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा।
हैंड्स अप, बंदूक फेंको। किशन, सुना तुमने, कन्हैया जेल से फरार हो गया। क्या, जेल से फरार हो गया? जरूर वो कमीने राधा से मिलने जाएगा। किशन, इससे पहले कि कन्हैया राधा से मिले, मैं चाहता हूं कि तुम राधा से मिलो। हाँ, राधा। किशन, तुम जेल से भागे कैसे? यही गलतफहमी तुम्हारे दिमाग से दूर करने आया हूं। राधा, मैं किशन हूं, और जो जेल से भागा है वो एक चोर है, लुटेरा है, मेरा हमशक्ल है। हमशक्ल, 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 हमशक्ल। उसने मेरा हमशक्ल होने का फायदा उठाया, फिर मेरा नाम अपना लिया, फिर तुमसे प्यार करने का नाटक किया ताकि तुमसे मूर्ति का राज हासिल करके उसे चुरा ले। कहीं उस हमशक्ल का नाम कन्हैया तो नहीं? तुम्हें कैसे मालूम? वो मेरे बचपन का साथी है, मेरा खोया हुआ प्यार है, और तुम वो मुजरिम हो जिसने हमारे घर से मूर्ति चुराई थी, जिसका सबूत है मेरा कुत्ता। नहीं राधा, राधा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। खबरदार, जो अपनी नापाक जबान से मेरा नाम भी लिया तो। एक्सेलेंट राधा, एक्सेलेंट, बिल्कुल सही पहचाना इस बहरूपिया को। क्यों मिस्टर किशन? मोटी, क्या, क्या क्या कह रहे हो तुम? देखो, अब तुम्हारे इस खेल का अंत होना ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहे तो फिर कन्हैया अपने आप को बेगुनाह साबित कर देगा। ले जाओ साले को। मोटी, क्या कह रहे हो तुम? ये सब क्या हो रहा है मोटी? और हाँ श्रेणी, अब तुम बहुत कुछ जान गए हो राधा। मूर्ति के लिए आज रात को 12 बजे मिस्टर एम आएंगे, फिर मैं तुमसे शादी करके सुहागरात के लिए स्विट्जरलैंड ले जाऊंगा। पेड्रो ने बोला इसको थे में लिया तो उसको पानी में डालो। कम ऑन, मेरा नाम मेलिया मत ले। तेरा जैसे पापी को बचा के मैंने खुद पाप किया है। देवा शपथ सिर्फ कन्हैया का वास्ते। नहीं, वो देवता है रे, देवता है। तेरा चोरी और खून का इल्जाम वो अपने माथे पर लिया है, सिर्फ तेरे को बचाने का वास्ते, सिर्फ तेरे को बचाने का वास्ते। वो तेरा खून है रे, तेरा भाई है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर वो मेरा भाई है तो वो मुझे मेरा प्यार नहीं छीनता, वो पते नहीं बदलता। वो पते कन्हैया ने नहीं, मैंने बदले थे। तुमने? तुम क्यों बदलने लगी? क्योंकि मैं तेरे को प्यार करती हूं। तू मुझसे प्यार करती है? नहीं तो तू क्या समझता है राधा तेरे से प्यार करती है? अरे वो तेरे से नहीं, कन्हैया से प्यार करती है। अभी से नहीं, छुटपन से। वो उसकी मुन्नी है रे, मुन्नी। ये मैंने क्या किया? एक ख्वाबों की परीक्षा प्यार कर बैठा जो मुझे कभी प्यार नहीं करती थी। लेकिन हकीकत तो यह है कि तुमने मेरी जान बचाकर मुझे दूसरी जिंदगी दी है। अब मेरी जिंदगी का हकदार तो सिर्फ तुम हो बिजली। मुझे माफ कर देना बिजली। हाथ न कलो मला। अरे बिजली का हाथ थामने के लिए मर्द का हाथ चाहिए। बिजली, अब मैं तेरे सामने सर उठाकर ही आऊंगा। मेरे जिस्म में भी वही खून दौड़ रहा जो कन्हैया के जिस्म में है। तू जानती कन्हैया कहाँ है? हाँ। ठीक है, आज रात को ठीक 12 बजे मिस्टर एम सुंदरलाल की टेन में आ रहा है। अब हम दोनों उस सोने की लंका को राख का ढेर बना देंगे। ये हुई ना मर्द वाली बात। Yeah!
Mr. M, many, many murders. Donkey, I'm a donkey. I'm a donkey. तुम कौन जी? मैं, donkey का बाप. स्वागतम. जान से चेहरा, जान से टकला. आइए Mr. M. आइए Mr. M. ये तो मुझे कहां ले आए? वही जगह जहां आपको लाना था. मूर्ति कहां है? मेरा भाई कन्हैया ने उसे सही ठिकाने पहुंचा दिया. मिस्टर एम, ये सुंदर लाल का खास आदमी है, मैं इससे मिल चुका हूं. इसका मतलब मेरा खजाना सही हाथों में. सॉरी, आप यही रुकिए, मैं सुंदर लाल जी को मूर्ति के साथ यही भेज देता हूं. गो अहेड. ये जितना खजाना तुम लोग देख रहे हो, हम तुम्हें इसका दुगना देने के लिए तैयार हैं. दुगना? अरे मगर आप दुगना क्यों हो रहे हैं? लेकिन इस मूर्ति के लिए नहीं, उस मूर्ति के लिए. उस मूर्ति के लिए? तू कहां जा रहा है? मगर डैड, मेरे प्यार का क्या होगा? पैसे के लिए मैंने तेरी माँ का गला घोट डाला था, ये क्या चीज है? बोलिए, मंजूर है? हाँ मंजूर है. ले, रामू स्वामी, आज मैंने तुम्हारा असली रूप पहचान लिया. और तुम जानते थे मैं किसी और से प्यार करती हूं. मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा. I love you. मैं तेरा प्यार हूँ. जान ले मुझे, जरा पहचान ले मुझे, मेरी जमान ले मुझे, मैं तेरा प्यार हूँ. आहो दिल रूपा. हम अपने दिल के लहू से प्यार में रंग भरेंगे.
जमाने ना इनको मिले हम जैसे दीवाने ना सारे निखट्टू है भार के टट्टू है आए न जाने को बन गए सुवर रामा स्वामी के बच्चे मूर्ति कहाँ है मूर्ति कहाँ है बोल मूर्ति कहाँ है मूर्ति कहाँ है मूर्ति कहाँ है मूर्ति कहाँ है बोल नहीं तो जान से मार डालूँगा बोल डैडी अबे तेरा बाप डैडी मेरा एक बेटा जो गधे का बच्चा है कुत्ते का बच्चा है बोल मूर्ति कहाँ है बोल आप क्या बोल रहे हैं मेरी बात तो सुनिए अबे तेरा बाप डैडी बोल नहीं तो मैं तेरा डैडी अरे तू और कौन फिर मूर्ति ना मुझे
साहब के भाई का खून किसने किया? बोल नहीं तो तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। बोल। मैंने क्या? मूर्ति किसने चुराई थी? बोल। मैंने। इंस्पेक्टर साहब, ये पकड़ी अपना मूर्ति। अरे बोले नहीं आ सकते थे क्या? मार खिला के लगे खाली पीले हालत खराब कर दी तुमने तो। कहाँ है वो दोनों गुंडे? धड़ 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 धड़के मेरा दिल आंखें चुरा के कहाँ चली दिल को जला के कहाँ चली आंखें चुरा के कहाँ चली दिल को जला के कहाँ चली तूने जलाया है मैं भी जलाऊंगा पत्थर को एक दिन मोम बनाऊंगा अपने इशारों पे तुझको नचाऊंगा आंखें चुरा के कहाँ चली दिल को जला के कहाँ चली Thank you.